पोंटोशिलाई गुमा हाईवे पर शुक्रवार सुबह दो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है। दुर्घटना में धारवा पंचायत के प्रधान जोगिंदर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक NH 707 पर शिलाई और मीनस के बीच धारवा व खनार दो विभिन्न जगहों पर दो गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पहली दुर्घटना सुबह धारवा में पेश आई, जब धारवा गांव के लिंक रोड से गाड़ी हाईवे की तरफ आ रही थी और गाड़ी बैक करते हुए अनियंत्रित हो गई और लिंक रोड से गाड़ी लगभग 800 मीटर लुढ़कती हुई धारवा पुल के पास NH 707 के किनारे आ गिरी। इस दौरान कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई है। इन्हें इलाज के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है, जिनकी पहचान धारवा पंचायत प्रधान जोगिंदर ठाकुर व उनकी पत्नी अनीता सहित उनके रिश्तेदारों के दो बच्चे शामिल है। दूसरी दुर्घटना द्राबिल के साथ लगते खनार के पास पेश आई है। अप्लाइड फोर कार शिलाई की ओर जा रही थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। गाड़ी खनार के पास अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और सवार लोगों को गंभीर चोटें आई है। इन्हें भी इलाज के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है। गाड़ी देवथल गांव की बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक गाड़ी में सवारों की पूरी डिटेल प्राप्त नहीं हो पाई है। मामले की पुष्टि करते हुए शिलाई अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शीतल शर्मा ने बताया कि धारवा के पास कार एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि चारों की तबीयत स्थिर है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें अन्य अंदरूनी जांच के लिए हायर अस्पताल रेफर किया गया है। पोंटोशिलाई गुमा हाईवे पर शुक्रवार सुबह दो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है। दुर्घटना में धारवा पंचायत के प्रधान जोगिंदर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक NH 707 पर शिलाई और मीनस के बीच धारवा व खनार दो विभिन्न जगहों पर दो गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पहली दुर्घटना सुबह धारवा में पेश आई, जब धारवा गांव के लिंक रोड से गाड़ी हाईवे की तरफ आ रही थी और गाड़ी बैक करते हुए अनियंत्रित हो गई और लिंक रोड से गाड़ी लगभग 800 मीटर लुढ़कती हुई धारवा पुल के पास NH 707 के किनारे आ गिरी। इस दौरान कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई है। इन्हें इलाज के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है, जिनकी पहचान धारवा पंचायत प्रधान जोगिंदर ठाकुर व उनकी पत्नी अनीता सहित उनके रिश्तेदारों के दो बच्चे शामिल है। दूसरी दुर्घटना द्राबिल के साथ लगते खनार के पास पेश आई है। अप्लाइड फोर कार शिलाई की ओर जा रही थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। गाड़ी खनार के पास अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और सवार लोगों को गंभीर चोटें आई है। इन्हें भी इलाज के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है। गाड़ी देवथल गांव की बताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक गाड़ी में सवारों की पूरी डिटेल प्राप्त नहीं हो पाई है। मामले की पुष्टि करते हुए शिलाई अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शीतल शर्मा ने बताया कि धारवा के पास कार एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि चारों की तबीयत स्थिर है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें अन्य अंदरूनी जांच के लिए हायर अस्पताल रेफर किया गया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पोंटो साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। ऑल नेटवर्क आपके घर द्वार पर सुविधाएं, मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।